दोस्तों ये वीडियो उनके लिए जो कि मीट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बताता हूँ कौन कौन सी क्वालिटी एक्सपोर्ट होती, कौन से देशों को टारगेट कर सकते हो और कहाँ से आपको सस्ता मिलेगा। तो सबसे बने रहिए इस वीडियो के अंदर। अब बताने जा रहा हूँ मीट के बारे में। इससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वर्कशॉप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलती हैं। अब एक चीज़ और, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करने से पहले सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डोमेस्टिक ट्रेड और इसके डॉक्यूमेंटेशन में फ़र्क है। तो बिना सीखे मेरी रिक्वेस्ट है बिल्कुल मत करिएगा, सीखिए समझिए और उसके बाद करिए, बहुत ही अच्छा पैसा मिलेगा। चलिए बात करते हैं मीट के एक्सपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि मीट का प्रोडक्शन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पे सस्ता मिलेगा। राजस्थान से आपको सस्ता मीट मिल सकता है, यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा होता है। जम्मू और कश्मीर में प्रोडक्शन अच्छा होता है, उत्तर प्रदेश में अच्छा होता है, गुजरात में अच्छा होता है और जितने भी हिली एरियाज हैं वहाँ पे आपको ये मीट का प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं कौन कौन सी क्वालिटी, किस तरीके का मीट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लैम्ब फ्रेश और फ्रोज़न एक्सपोर्ट कर सकते हैं, शीप फ्रेश और फ्रोज़न एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मीट शीप विद बोन फ्रेश और फ्रोज़न एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बोनलेस मीट फ्रोज़न आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मीट ऑफ गोट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये जो अभी मैंने आपको बताया जो ये मीट्स के बारे में, ये कौन से देश इस समय सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करा रहे हैं, वो है यूएई। यूएई में आपको अच्छे मार्जिन मिल रहे हैं। कतर इंपोर्ट अच्छा करा रहा है, कुवैत करा रहा है, मालदीव करा रहा है, सऊदी अरेबिया करा रहा है और ओमान करा रहा है। अब इसके बाद चलते हैं प्रोसेस्ड मीट की तरफ। भैया प्रोसेस्ड मीट, अगर मैं बात करूं प्रोसेस मीट मुझे कहां से सस्ता मिलेगा, तो आंध्र प्रदेश से सस्ता मिल जाएगा प्रोसेस मीट, वहां पे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन है। वेस्ट बंगाल से भी सस्ता मिलेगा, केरला से भी सस्ता मिलेगा, दिल्ली में भी मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा और राजस्थान में भी मिलेगा। प्रोसेस मीट में कौन सी वैरायटीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है, जैसे सबसे ज़्यादा आप सॉसेजेस और केन मीट जो सबसे ज़्यादा आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। होमोजेनाइज मीट जो कि प्रिपरेशंस के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रिजर्व्ड मीट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पोल्ट्री मीट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मीट एक्सट्रैक्ट और मीट जूस भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं भैया कर तो सकते हैं, कौन से देश में कर सकते हैं। हांगकॉन्ग में करिए अच्छा मार्जिन मिलेगा, भूटान में करिए अच्छा मार्जिन मिलेगा, कतर में करिए अच्छा मार्जिन मिलेगा, वियतनाम में करिए अच्छा मार्जिन मिलेगा, कुवैत में करिए अच्छा मार्जिन मिलेगा, यूएई में करिए अच्छा मार्जिन मिलेगा। अब कौन से स्टेट से सस्ता मिलेगा, भैया सबसे पहले चले जाओ तमिलनाडु, सबसे ज़्यादा सस्ता आपको वहीं मिलेगा। आंध्र प्रदेश में सस्ता मिलेगा, विशाखापट्टनम में सस्ता मिलेगा, चित्तौर में सस्ता मिलेगा, कर्नाटका में सस्ता मिलेगा, महाराष्ट्र में सस्ता मिलेगा, गुजरात में सस्ता मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी सस्ता मिलेगा। अगर मैं बात करूं लाइव पोल्ट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एडिबल पोल्ट्री मीट फ्रेश और फ्रोज़न आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पोल्ट्री मीट नॉट कट इनटू पीसेस, यानी ज़रूरी नहीं है कि पीस करके ही देना है, दोनों एक्सपोर्ट होते हैं, कटिंग वाले भी होते हैं, नॉन कटिंग वाले भी होते हैं। एग्स इन शेल्स, अगर अंडे हैं जो कि शेल के अंदर रहते हैं यानी खुले नहीं अंडे, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हर तरीके के अंडे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, एग यॉक ड्राइड भी एक्सपोर्ट हो सकता है, एग यॉक किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट हो सकता है। इस पोल्ट्री मीट को आप ओमान एक्सपोर्ट करिए, मालदीव से एक्सपोर्ट करिए, इंडोनेशिया एक्सपोर्ट करिए, वियतनाम एक्सपोर्ट करिए, भूटान एक्सपोर्ट करिए, जापान एक्सपोर्ट करिए, रशिया एक्सपोर्ट करिए, बहुत ज़्यादा फायदा। तो दोस्तों ये था मीट। मीट में काम करने से पहले सोचिए समझिए, क्योंकि पैकेजिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, रीफर कार्गो में भेजना पड़ेगा, उसका खर्चा ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि रास्ते में ख़राब हो जाए, सर्टिफिकेशंस लगेंगे, अलग अलग कंट्री के अलग अलग सर्टिफिकेशंस होते हैं। जैसे अगर मुझे यूएई वगैरह में एक्सपोर्ट करना है तो हलाल सर्टिफिकेट भी लगेगा, हेल्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी लगेगा, आपको फसाई सेंट्रल भी लेना पड़ेगा और अपीडा की आरसीएमसी भी लेनी पड़ेगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इसीलिए ये तो स्टेप बाय स्टेप है। बने रहिए हमारे साथ, स्टेप बाय स्टेप हमारी सीरीज़ भी चल रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, ये भी देखिए वो भी देखिए, कंट्री की सिलेक्शन कैसे करनी है, प्रोडक्ट की सिलेक्शन कैसे करनी है, स्टेट कौन सी बढ़िया है मेरे को काम करने के लिए, कहाँ से सस्ता माल मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं अपने चैनल पे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, वीडियो को शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।
है।